नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरा वाला शहर में और खास करके मैं जो आपको अभी बताना चाहता हूं वो ये है कि अभी एक मैं फैक्ट्री में मौजूद हूँ जो कि दाऊद अहमद ट्रेडर के नाम से यहाँ पे जो है वो काम कर रही है और इस फैक्ट्री में जो है वो बहुत सारे जो कप्स हैं जो ग्लास है जिनको आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे उनको जो है वो डेकोरेट किया जाता है उनके ऊपर जो नक्श निगारी है वो की जाती है और ये मेरे लिए भी बड़ी खुश आइंद बात है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने ये इस फैक्ट्री को विजिट भी किया और मैंने यहाँ पे देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो कारीगर हैं वो काम करते हैं तो मैं समझता तो हूँ कि ये बड़ी खुशी की बात है और कई दफ़ा जब हम अपने घरों में जो कप वगैरह किसी को चाय पेश करते हैं या ग्लास हम उनके सामने रखते हैं तो अक्सर वो हमसे पूछते हैं कि ये जो कप आपने खरीदे हैं बाजार से या ये जो ग्लास आपने लिए हैं ये अपने कौन सी शॉप से लिए हैं तो हम अक्सर जो है वो शॉप का नाम बता देते हैं कि हमने फला दुकान से लिए हैं या हमने किसी ऐसी मार्केट से लिए हैं लेकिन हकीकत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज जिस जगह पे मौजूद हूं वहां पे इन कपों के ऊपर डिजाइनिंग की जाती है इन ग्लासेस को जो है वो डेकोरेट किया जाता है और जो भाई डेकोरेट करते हैं और जो ये सारा काम करते हैं और ख़ास करके गुजरा वाला में उनका एक बड़ा जबरदस्त सेटअप है और वसीम राजा उनका नाम है और वो इस फैक्ट्री में डिकोर इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूं कि ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आज वो मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे बातचीत भी करूंगा और उनसे पूछूंगा भी कि ये जो सारा काम है इसको करने की जो वजह है वो क्या है अगर उनका शौक है तो इस शौक को कब से और कितने अरसे से जो है वो सर अंजाम दे हैं तो आए नाजरीन हाँ, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनके प्रोफेशन के बारे में वसीम भाई मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने एक तो हमें अपनी फैक्ट्री में विजिट करवाया और खास करके आपके मैंने काम को भी देखा और मसीही होने के नाते मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस काम को जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और इस फैक्ट्री में डेकोरेट का जो काम है और इन कपों पे नक्शो नगारी जो है ये बड़ी जबरदस्त एक जिम्मेदारी है और बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा खूबसूरत एक काम है तो आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आप कब से कर रहे हैं और कितना अरसा हो गया है आपको ये काम करते हुए पहले तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ मौका दिया कि आप भाइयों के साथ मिलकर ये ये इसके बारे में डिस्कस करें और बाकी रही बात ये काम की तो ये तो मैं तकरीबन डॉक्टर तक साहब जानते ही है कम से कम तीस से पैंतीस साल हो गया तीस से एक साल हो गया तकरीबन इस फील्ड अच्छा। तक में ना शुरू से तो आप तो काफी एक्सपीरियंस भी आ, का है खुदा उनका शुक्र है बाकी रही बात के सिंपल काम तो आपको पता है सिंपल ग्लासेस आते रहते हैं तो लोग ज्यादा करते हैं लाइक इसको डेकोरेट हो खूबसूरती हो इम्पोर्टेड ग्लास भी आपको पता गोल्ड वगैरह लगा होता है।, ऐसी है तो इस तरह कप मग होते हैं इसमें यही काम होता है तो अब ज्यादा लोग यही पसंद करते हैं कि इसको डेकोरेट हो ताकि हम लाइक करें घर में खुशी हो ये खुश हो खूबसूरत लगे तो मेहमान आज में भी आपको पता ही यही होता है तो इस तरह फिर खुदा का शुक्र है तो इधर मेरा काम ये है कि मैं ये सारा खुद ही हैंडल करता हूँ तो इसमें लेडीज भी काम करती हैं, जेंट्स भी काम करती हैं, तो ये आप देख रहे हैं बाकी बिल्कुल मैं देख रहा हूँ अच्छा वसीम भाई आप हमारे नाजरीन को ये बताएं, आप एक क्रिश्चियन है और आप इस फैक्ट्री में एक डिकोर इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे हैं और मैंने आपका सारा काम देखा भी है आप हमारे नौजवानों को या हमारे जो लोग हैं जो कि इन कपों को देखते हैं या इन ग्लासेस को देखते हैं और वो भी इस तरह की अक्सर नक्शो नगारी का शौक रखते हैं कई दफा ना तो आप उनके लिए कोई ऐसा काम आप सोचते हैं कि उनको भी इसमें जो है वो हिस्सा लेना चाहिए या इसको सीखना चाहिए तो आप उनको कुछ बताना आ, चाहिए ये आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया है बहुत अच्छी बात है मसल पता क्या होता है ये ना ए, ये काम ज्यादा होता है गुजरा वाला में ये तो है क्योंकि इधर मेड रहते हैं यहाँ पे साफी कारीगर है कुछ भी है बाकी की बात आप ये कह रहे हैं कि काम करना चाहिए अच्छी बात है तो पहले तो मैं ये कर, कहना चाहता हूँ तो करूंगा कि ये काम को सेल करें जैसे इसकी आगे डिमांड होती है फिर आस्ता बंदा ये काम उधर भी शुरू कर सकता है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है करना चाहें तो कहते हैं ना नथिंग इज इम्पोसिबल भाई तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो कोई मसला नहीं मैं उनको सपोर्ट करूंगा खुदा के फदर करम से कोई इस बात नहीं है तो अगर करना चाहें तो रबा करें डॉक्टर साहब से रहा कर लें आपसे रहा करें, आप करें। नो इशू फिर मैं उन्हें गाइड कर दूंगा क्योंकि इसका तो डिफिकल्ट है थोड़े सी लेकिन नामुमकिन नहीं है तो करना चाहें कर सकते हैं अच्छा वसीम भाई आप हमें यह भी बताएं कि यहाँ पे मैंने अभी देखा फैक्ट्री का विजिट करते हुए कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं जैसे नोवा है गनी है या जो टोयो है और बहुत सारी दूसरी भी कंपनीज हाँ, हैं, हैं और ते इसी ते तरह से इंपोर्टेड जो कप्स हैं और ग्लास भी हैं वो मैंने यहाँ पे देखे हैं तो जब आप इन कंपनियों के लिए मतलब कप्स या ग्लास वगैरह या जग जो हैं या मतलब टी सेट जो हैं वो जब डिजाइन करते हैं तो आप उनको आपको उनके फोन भी आते होंगे और वो मतलब आपको अप्रिशिएट भी करते होंगे तो इसके बारे में आप हमारे को जरा फिर एक किसी की प्रोडक्ट आगे जाती है फिर उनको कहते हैं वो चार चांद लग जाते हैं उनको हाँ। तो फिर तो खुशी होती है वो करते हैं उसे। करते हैं जरूर ये तो होता है ना अच्छा कोई आपका एक ऐसा मतलब खास किस्म का डिजाइन जो मतलब यूनिक टाइप का हो और लोगों ने देखा और फौरी तौर पे आपको फोन किया और उन्होंने कहा होगा वाह वसीम भाई आपने तो आज कमाल कर दिया काफी डिजाइन है ऐसे हाँ। है तो जैसे ये कटिंग में ऊपर गोल्ड लगाता हूँ ना हाँ। जैसे आप ये देखें ये कटिंग के ऊपर गोल्ड लगा है तो ये खुदा का शुक्र है ये फन काफी अच्छा है कि गोल्ड मेरा गोल्ड उतरता भी नहीं है अच्छा। प्लस काफी देर तक शाइनिंग भी रहती है ये लोग लाइक करते हैं और गोल्ड कटिंग वगैरह हो या बॉर्डर वगैरह हो ऊपर गोल्ड लगाने का फन है और ये सारे लोग इसे अप्रिशिएट सही अच्छा वसीम भाई ए, क्या कभी यहाँ पे जो रहने वाले जो क्रिश्चियन हमारे जो लड़के हैं या लड़कियां हैं क्या कभी किसी ने आपसे रहा करने की कोशिश किया कि ये वसीम भाई हमें भी ये काम हाँ। जो है वो सिखाया जाए करते हैं इधर क्रिश्चियन लड़कियां करती है हाँ। और करती हैं काम करती हैं अच्छा तो इसमें कोई इशू नहीं क्योंकि हमारे जो बोस है सी साहब वो बहुत प्यार करने वाले हैं वो ये मजहब नहीं लाते वो कहते हैं ह्यूमैनिटी इज द फर्स्ट रियलिजन बस वो यही कहते हैं तो इधर का शुक्र कोई ऐसी बात नहीं ऐसी। बात। तो ऐसी। करते हैं है लेकिन लड़के भी लड़की भी करते हैं अच्छा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ की आपके लिए भी ये खुशी की बात है और हमारे नाजरीन के लिए भी ये कितना खुशी की बात है की जब ये नेशनल न्यूज ड्रामा से ये जो प्रोग्राम चलेगा और लोग मतलब इस नक्श नगारी को देखेंगे और खास करके वो मतलब हमसे ये जरूर पूछेंगे कि ये गुजरा वाला में जो भाई हैं उनका हमें नंबर दें तो हम अगर आपका नंबर उनको दें और वो आपसे रहा करें तो जरूर आप उनसे ताउन भी करेंगे हाँ जी जरूर ताउन करूंगा प्लस ये है कि अगर घर के लिए उन्हें चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा ऑल होलसेल रेट में करूंगा कोई ऐसी बात नहीं ज्यादा नहीं प्लस उसके अलावा ये है कि मेरा काम होता है डिकोर वो मोनो का अच्छा कि अगर आप ये जैसे मग है इसमें मोनो लगाते हैं

के सिलसिले में आते हैं अच्छा। बाकी हमारा इधर से माल एक दो बंदे से बात हो रही है कि हम लोग इधर से बाहर ये गोल्ड वगैरह करके ना जैसे ये ये कटिंग हुआ है पे तो इस पे गोल्ड करके हम बाहर लेकर जाए तो उधर भी काम चलता है उधर लेबर का मसला बनता है ना प्लस ये इतना ज्यादा वो ओवर काम नहीं करते तो हमारा इधर काम होगा और बाहर भी जाता है तो कोशिश कर रहे हैं आप भी प्रे करें करे दामदा करें हाँ जरूर जाएगा तो इस पर हम काम कर रहे हैं बाहर भेजें बिल्कुल बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और ख़ास करके हम अपने प्लेटफॉर्म से यानी कि न्यूज इस चैनल से नेशनल न्यूज ड्रामा के प्लेटफॉर्म से हम आपकी प्रमोशन भी चाहेंगे और हम लोगों से अपील करेंगे क्योंकि आप एक क्रिश्चन हो, होते हुए मतलब हमारे लिए एक प्राउड है हमारे लिए एक फख्र की बात है कि आप इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं और ख़ास करके आप इस फैक्ट्री की इस अदारे की जान है और जाहिर सी बात है मैं जान कहूंगा जान इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है आप इस काम को बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और आपने बहुत ज्यादा जो है वो मैंने देखा है बड़ी मेहनत और लगन का मुजाहरा करते हुए आपने बेतहाशा जो है वो डिजाइन जो है वो क्रिएट किए हैं और ये सारे आपके माइंड में है और नेशनल न्यूज ड्रामा के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम हम जो है वो उन तमाम लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे ताकि एक तो लोग इस काम में आगे बढ़ें

सारी गुफ्तु सुन रहे थे वसीम भाई से और मैं आप सब से अपील करना चाहता हूं और खास करके जो हमारे क्रिश्चियन अदारे हैं हमारी काफी ऐसी एन हैं ओज ऑर्गेनाइजेशन हैं स्कूल्स हैं जो कि मतलब शील्ड्स वगैरह भी देते हैं और आप उनपे भी जो है वसीम भाई से कोई मोनोग्राम लगाना चाहते हैं कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो आप उनसे जो है वो जरूर रब्ता कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं उन तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इस काम में आगे आए जिस तरह से वसीम भाई ने इस काम को संभाला है और वसीम भाई इस काम को कर रहे हैं तो आप में भी टैलेंट है आप में भी वो काबिलियत है कि आप अपने जो माइंड की जो क्रिएशन है वो आप इस कप के ऊपर जो है वो नक्श कर सकते हैं आप इस ग्लास के ऊपर जो है वो नक्श कर सकते हैं तो मैं एक तो दुआगो हूँ वसीम साहब के लिए कि उन्होंने हमें यहाँ पे मदा किया और उन्होंने अपनी फैक्ट्री का विजिट हमें करवाया और साथ ही साथ एक बार फिर से मैं उन तमाम एन को ऑर्गेनाइजेशन को भरपूर तरीके से अपील करता हूँ कि अगर आप और भी जगह से काम करवाते हैं तो बर मेहरबानी आप वसीम भाई से जो है वो जरूर रब्ता करें आप इनसे काम करवाएं ताकि एक तो हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी जो प्रमोशन है वो हो सके और खास ही खास जो हमारा टैलेंट है वो सिर्फ मुल्के पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो नजर आए ताकि कई दफा ये भी होता है कि हम किसी को एज ए गिफ्ट जो है वो अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का कप भेजते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कोई शील्ड भेजते हैं या कोई ऐसा ग्लास वर्क भेजते हैं जो कि हमारी जो है वो नुमाइंदगी करता है तो उसको प्रिंट करवाने के लिए ब्राय मेहरबानी आप जो है वो वसीम भाई से रबा करें हम मेरी जो स्क्रीन है आप उस पर वसीम भाई का नंबर भी देख सकते हैं वो हम नंबर भी देंगे ताकि आप उनसे राबता करें और अपने काम को और अपनी जिंदगी को जो है वो अपने खुदा के लिए इस्तेमाल करने वाले बन सकें बहुत शुक्रिया आप अच्छा एक पैगाम और है जो वसीम भाई चाहते हैं कि इस चैनल पे जो है वो दिया जाए वो ये है कि अगर कोई किसी के पास शॉप नहीं है घर में कोई भाई या कोई बहन या कोई बुजुर्ग है कोई औरतें हैं जो घर में काम करना चाहती हैं और जो चाहती हैं कि हम घर में बैठे हुए ऑनलाइन इस बिजनेस को करें तो इस सिलसिले में भी आप वसीम भाई से रबता कर सकते हैं वो आपको पूरा कॉपरेट करेंगे वो आपके साथ भरपूर तरीके से जो उनसे ताउन हो सकेगा वो आपके लिए करने के लिए तैयार रहेंगे और उन्होंने इस बात की भी हामी भरी है कि जिस किसी को मेरी मदद की जरूरत है और जो कोई चाहता है कि वो ऑनलाइन बिजनेस करे तो वो मुझसे रबता कर सकता है तो नाजरीन आप इस पैगाम को जरूर दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग जो है वो नजर आ सकें बिजनेस में कारोबार में ताकि हमारी जो पहचान है वो लोगों के सामने नमाया हो सके बहुत शुक्रिया आपका जी नाजरीन अब मुझे और मेरे कैमरा मैन तारक यादव को दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज